स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुछ खास रिपोर्ट्स। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का पता चल गया है। वो डोमिनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। एंटीगुला की पुलिस डोमिनिका पुलिस से संपर्क में है। एंटीगुला मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 62 साल के मेहुल चौकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वो एंटीगुआ और बारबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। बीते कुछ दिनों से चौकसी एंटीगुआ से गायब हो गया था। कहा गया था कि उसके अपना ठिकाना जो है उसने वो बदल लिया है, लेकिन अब डोमिनिका पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसे जल्द एंटीगुआ पुलिस को सौंपा जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित मेहुल चौकसी के ठिकाने का आखिरकार पता चल गया है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का पता चल गया है। वह डोमिनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। एंटीगुआ की पुलिस डोमिनिका पुलिस के संपर्क में है। ये दावा एंटीगुआ की मीडिया रिपोर्ट्स में बुधवार की देर रात किया गया है। इससे पहले एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहे भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के लापता हो जाने की खबर अचानक 3 दिन पहले सामने आई थी। गौरतलब है कि चौकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। अधिकारियों ने बताया था कि चौकसी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही सीबीआई इन खबरों की औपचारिक और अनौपचारिक मंचों के जरिए पुष्टि कर रही है। इंटरपोल ने भी एजेंसी के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। चौकसी ने जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही 2017 में कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। और डेस्क प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी अब नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर महंगी जमीन को बेहद कम दाम में खरीदने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 25 करोड़ की जमीन महज 20 लाख रुपए में खरीदी है। सपा नेता सुनील कुमार यादव और आप सांसद संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को आड़े हाथ लिया है। आपको बता दें कि भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति के बाद मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी विवादों में घिर गए थे। हालांकि उनके भाई ने अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने बताया कि मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 21 मई को पदभार ग्रहण करने वाले अरुण कुमार द्विवेदी का इस्तीफा तत्काल मंजूर कर लिया है। तो एक बार फिर से विवादों के घेरे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आ गए हैं और जिस तरह से पहला जो राय था वो साफ कर रहे थे, उसके बाद एक नए बवाल ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। संजय सिंह का ट्वीट आप इस वक्त देख सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर नोटरी और रजिस्ट्री के ये तमाम चीजों का ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरह से 25 करोड़ की जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा गया। वहीं संजय सिंह ने भी ट्वीट में क्या है साफ तौर पर ट्वीट किया है कि क्या आपको 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार की जमीन 20 लाख में चाहिए? तो
आदित्य जी की सरकार में बन जाइए। तो लगातार इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर योगी सरकार को विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति दी गई थी पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। उसके बाद जब ये चीजें बिगड़ती देख सतीश द्विवेदी के भाई ने तत्काल प्रभाव से, अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर सतीश द्विवेदी विवादों के घेरे में घिर गए हैं, और वो विवाद है 1 करोड़ से ज्यादा की जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में खरीदने का। उनकी और उनकी मां द्वारा ये जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी गई है। इस बात को लेकर आप नेता और सपा नेता ने ट्वीट किया है, और खुले तौर पर उन्होंने सतीश द्विवेदी पर धोखाधड़ी से गरीबों की जमीन को सस्ते दामों में हड़पने का आरोप लगाया है। बता दें, सुनील कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि सतीश द्विवेदी ने अपने और अपनी मां के नाम पर महंगी जमीनों को बेहद कम कीमत पर खरीदा। उनका आरोप है कि एक जमीन की कीमत 65.45 लाख रुपए थी, जिसके 12 लाख रुपए में खरीदा गया। वहीं जमीन की मार्केट वैल्यू 1.26 करोड़ रुपए थी, जिसे महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया। तो ये एक जमीन का विवाद नहीं है, कई ऐसी जमीन है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि सतीश द्विवेदी ने और उनकी मां ने इन जमीनों को सस्ते में खरीदा। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी आप पर आना चाहूंगी। सतीश द्विवेदी पर लगातार जिस तरह से आरोप लग रहे हो, कहीं ना कहीं योगी सरकार भी सवालों के घेरे में है कि पहले उनके भाई को जो पीडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाती है, उसके बाद उन पर जिस तरह से महंगी जमीनों को सस्ते दामों पर खरीदने का ये आरोप लग रहा है, क्या कहना है आपका? हमेशा से भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार का कोई गलत राजनीतिक फायदा लेने की बात हो, सबके लिए, ये कोई मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या विधायक हो, हम इसके विरोधी हैं। लेकिन जैसे विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है तो झूठ के स्टैंड करना चाहिए जी। अपने आरोपों को और जांच होनी चाहिए, विस्तृत जांच होनी चाहिए। हम खुद मांग करते हैं कि ये चीजें सामने आनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगा देना किसी व्यक्ति पर और आरोप को सिद्ध करना, तो ये दोनों चीजों में भारी अंतर है। बहुत सारी बातें हैं कहने को, जो लोग एक ही परिवार में 25-25 लाख बातियां बांटते थे और जिनका परिवार ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच सामने आनी चाहिए। ठीक है विवेक जी, आपका क्या कहना है? लगा जिस तरह से नरेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने खुले तौर पर आप पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर, और उन्होंने कहा है कि अगर दोषी है कोई तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह के आरोपों से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो दोषी है। देखिए कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पहले तो, कि इस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष निष्पक्ष रूप से रखने के लिए मुझे मौका दिया होता दिया। देखिए मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात बता दूं कि इनकी मजबूरी है कि अब ये क्या करें। पहले तो मंत्री जी के अपने भाई का जो एक विवाद गहराया इनके नियुक्ति को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से ये 5 करोड़ की जमीन 12 लाख में, 1.26 करोड़ की जमीन 20 लाख में, इटावा में जमीन खरीदी, 2 करोड़ की जमीन 20 लाख में खरीदी, चौथी इकाई है 8 लाख में जमीन खरीदी इन्होंने, तो मंत्री बनने के बाद अब इतनी संपत्ति न बने तो भाजपा ही कैसे कहलाएंगे। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पे आरोप गढ़ना और किसी आरोप को प्रमाणित करना दोनों अलग बातें होती हैं। ये तो बड़ा देखिए एक ऐतिहासिक विषय रहा है कि राजनीतिक परंपरा में जब स्वयं को अपने को बेदाग साबित करना हो तो विपक्ष के ऊपर आरोप कर दीजिए आप,
लेकिन उन आरोपों को साबित करना पड़ता है। फिलहाल तो ये आरोप जो है ये साबित होते दिख रहे हैं क्योंकि इनकी रजिस्ट्री की कॉपियां वायरल हो रही हैं। माननीय श्री अमिताभ ठाकुर जी जो जबरन रिटायर हैं इनके व्यवस्था के कारण और इनके डरी हुई सरकार के कारण जो जिनको जबरन रिटायर किया गया, उन्होंने भी अपने फेसबुक वॉल पे इस कॉपीज को वगैरह को सब दिखाया हुआ है। मतलब तो ये तो देखिए बात है कि ठीक है विपक्ष की बात है, अब ये विपक्ष तो बोलेगा तो इनको ये कहेंगे कि आरोप लगते थे, तो भाई यहाँ तो आरोप साबित हो रहे हैं ना। बच्चों के जूते का घोटाला, स्वेटर घोटाला, नमक रोटी का खुलासा, मिड डे मील का, शिक्षण संस्थान का, आखिर जो घोटालों का पैसा था वो पैसा कहाँ जाएगा? मंत्री जी से लेके ऊपर तक गया है। यूनिवर्सिटी के जो घोटाले आजम खान पर आरोप लगातार लग रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं सिद्ध हो गए हैं, तो इसको आप क्या लगता है? नहीं तो एक चीज बताइए कि आजम खान जी पे जो भी आरोप लगे, क्या समाजवादी पार्टी ने किसी आरोप में आकर के आरोपों को प्रभावित करने या जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया? वो तो आज भी आरोप इनके जांच के ही दायरे में चल रहे हैं, वो तो जांच पूरी नहीं होती, सबसे बड़ी दिक्कत ये। और अगर आजम खान जी पे कोई कार्रवाई हुई तो क्या समाजवादी पार्टी ने कभी उसमें बाधा बनने की कोशिश की? नहीं, विधिक रूप से आप जो भी करिए अगर साबित होते हैं तो आप कार्रवाई करिए। आपके नेता जो है समर्थित रैली तो आजम खान के लिए निकाले थे ना, उन्होंने साइकिल रैली जो निकाली थी उन्होंने। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी तक बता दूं, जब तक आरोप साबित नहीं होते आप किसी को आरोपी तो बता नहीं सकते हैं, और अभी भी उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं पूर्णतया कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो अभी जिस तरह से नरेंद्र, जो आरोप सुन लीजिए, जो आरोप साबित हुए हैं उसके अनुसार जो भी विधिक कार्रवाई हो रही है उसमें हमने कहीं दखल नहीं दिया। विवेक जी, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और ट्वीट किया जा रहा है आप आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से, तो वो भी तो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए ना, तो उनको सिद्ध कैसे मान लें जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं ये जो हम बात कर रहे हैं, जो परिचर्चा हमारी चल रही है जी, ये वो आरोप है जो रजिस्ट्री की जिसकी कॉपियां ऑलरेडी हो, जो रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी पता नहीं किसी तरीके से वायरल हुई है। अब रजिस्ट्री समाजवादी पार्टी के लोग तो करते नहीं है, रजिस्ट्री तो इन्हीं के अपने अधिकारी बैठे हैं तहसीलों में, वो तो ये जाकर के पता करें कि जांच का विषय कि ये कहां से हुआ। बहरहाल लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूंगा, सतीश द्विवेदी जी के बारे में जो इतनी कुछ बातें ये इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक और आरोप साबित हो गया अपने भाई की भर्ती को लेकर के, उस पे तो ये नहीं कभी ये कह पाए कि सतीश द्विवेदी जी से उनसे ये किसी भी तरह से उनसे त्याग पत्र ले सके। हाँ लेकिन आपको एक चीज मैं जरूर बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी लंबित है, 12,460 शिक्षक भर्ती आज भी लंबित है, वो अपना काम नहीं कर पाए। लेकिन 29,000 गणित विज्ञान की शिक्षक भर्ती लंबित है, मुझे बस इतना बता दीजिए वो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग की भर्तियों को छोड़ करके वो काम क्या कर रहे थे इतने सालों में? ठीक है, मैं तो सीधे सीधे वो विषय पूछ रहा हूँ। जिस तरह से जो नोटरी के पेपर सामने आया उसके बाद तो सवालों के घेरे में आ ही जाती है योगी सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि मंत्री है वो आपके ही सरकार के, तो इस तरह की बड़ी धांधली, इतनी महंगी जो जमीनें हैं उनको इतने सस्ते दामों में खरीदना, ये बहुत बड़ा, बताइए कौन सा किसान इतना दिलेर या दिलदार या किसका दिल इतना बड़ा हो गया कि जो नुकसान उठा करके किसी मंत्री को अपनी जमीन सस्ते? ठीक है विवेक जी, नरेंद्र जी का सुन ले। जी नरेंद्र जी, सरकार के अंदर 4 साल से 4.5 साल हो गए योगी जी को, किसी भी मंत्री को आपको याद होगा पिछली बार 4-5 मंत्री हटाए गए, वो क्यों हटाए गए? खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत थी। हम ये कर सकते हैं कि किसी भी मंत्री के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो नीति टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर और अपराध, ये सहन नहीं होगा। लेकिन विपक्ष जो मनगढ़ंत आरोप लगाता है उन पर वो ठहरता नहीं। क्या ये किसी से छुपा है कि आय से अधिक नौकरी दी गई, जो नौकरी अरुण द्विवेदी को दी गई उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उससे पहले अब क्यों नहीं सतीश द्विवेदी पर कार्रवाई की गई, इसी के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की गई कि क्यों उनके भाई को EWS के तहत नौकरी दे दी जाती है? नहीं, उनके भाई ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा ये कहते हुए दिया है कि मेरे भाई पर यह, साथ ही जांच की मांग, हम भी जांच करेंगे और जांच करानी भी चाहिए ताकि दूध का दूध और विवेक जी आपको क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं कि जांच के पात्र हैं और जांच जिस चीज की होनी है उसकी जांच निष्पक्ष तौर पर की जाएगी, अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब किस बात की जो विपक्ष है वो लगातार घेरने का किस बात को लेकर प्रयास कर रहा है, इस बात की भी जो जांच मांग उठाई जा रही है उस पर जांच की जाएगी, जांच होने पर ही फैसला हो जाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 72 घंटों से ऊपर हो गए, अभी तक तो कोई जांच शुरू नहीं हुई। बहरहाल लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जिस विभाग के ये मंत्री रहे हैं
उस विभाग के ही जो चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र आज तक ये न दे पाए। कीर्ति जी, बहुत पुराना उदाहरण है, गाँव में कहा जाता है कि मदारी अक्सर अनपढ़ होता है, फिर भी पढ़े लिखे लोगों से ताली बजवा देता है और स्वांग रच के अंत में झोला उठा करके चल देता है। इनकी सीधी सीधी एक ही मंशा रहती है, लोग रहे ना रहे, देश रहे ना रहे, चुनाव चलते रहने चाहिए, इनकी सत्ता में सरकार बनी रहे। यही कारण है कि जब भी जनता इनको भाप लेती है तो इनको उठा के 15 साल 25 साल के लिए उठा के बाहर कर देती है। मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। चलिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया, जांच शुरू कब होगी? अब तो सितंबर में चुनाव आचार संहिता लगी जाएगी, तो अभी क्या जांच के लिए इंतजार करेंगे? इनके योगी जी तो ट्विटर ट्रेंड खेल रहे हैं मोदी जी के सामने। भाई मोदी, आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि 72 घंटे हो गए हैं इस बात को सामने आए, ट्वीट किया गया है, जांच का विषय है, तो जांच होने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, जांच में कोई देरी नहीं हो रही, जांच का एक अपना प्रोसेस है। जांच पूछिए क्या प्रोसेस है, पूछिए क्या प्रोसेस है, कैसे होती है जांच? कोई कमेटी बनी, कोई उनको पत्र, श्वेत पत्र जारी किया गया, उनसे कोई जवाब मांगा गया? अभी तक तो ऐसा कोई प्रकरण मीडिया के भी संज्ञान में नहीं आया। भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखे कि कैसे 15 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकारें, ये मुलायम सिंह ने कहा, दूसरा मुलायम सिंह ने सार्वजनिक ये कहा था कि अखिलेश यादव से कि अमर सिंह के ऋणी रहो वरना सीबीआई अब तक जेल में डाल दे। ये तो टीवी के पास मौजूद है। शिवपाल यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप किस पर लगाए, ये तो टीवी पर मौजूद है। क्या बात करते हो भाई? नहीं, हम तो बातें नहीं करना चाहते सर। आप अखिलेश जी पे सुई घुमा करके अपने मंत्रियों को बचाने का वो ना करिए। हमने दखल नहीं दिया, हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए, कोई चीज सार्वजनिक हो तो उसको प्रमाणित करिए। फिलहाल आपके मंत्री संदेह के नहीं सामने है, पूरे देश के विश्व पटल के सामने खड़े हैं, उनके ऊपर तो आप जांच शुरू ना कर पाए। आप लोग इतिहास की बातें दोहरा दोहरा करके जिस तरह से ठीक है, विवेक जी और नरेंद्र जी, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से बेहतर होगा कि जांच के जो विषय है और जो जांच के पात्र है, नरेंद्र जी जी ठीक है, नरेंद्र जी जो जांच के पात्र है उन पर जांच बैठाई जाए और कहीं ना कहीं ऐसे पदों से उनको तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए कि जिस तरह से इतनी महंगी महंगी जमीनों को अगर इतने सस्ते दामों पे लिया गया है और रजिस्ट्री है, ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन ये तो आरोप मुख्यमंत्री जी पे लगाते हैं, ये तो आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगाते हैं। क्या सबको हट जाना चाहिए? केवल इन्हीं को पीड़ा है, जनता को पीड़ा नहीं है? नहीं नहीं, जनता को क्यों पीड़ा रहेगी? जनता के लोग इतने मर गए, गंगा घाट के किनारे इतने शव दिखाई दे रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए सड़क पर रहे, जनता को पीड़ा क्यों रहेगी भाई? जनता जनता तो केवल वोट बैंक आपके लिए, जनता को पीड़ा क्यों रहेगी आखिर? जनता की पीड़ा से आपको कौन सा सरोकार है? आपको तो उस समय जब ऑक्सीजन भी पर्याप्त थी, इन्हीं के मंत्री के वक्तव्य है, व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, इन्हीं के वक्तव्य थे। विवेक जी, जी नरेंद्र जी बोलिए। जांच आरोप लगते हैं तमाम लोगों पर, लेकिन इस वक्त तो सबूतों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं और आप सबूत साफ तौर पर ट्वीट पर लाखों लोग देख रहे हैं। आपके चैनल पर इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरी पार्टी के अंदर कोई भी, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, यदि वह अनैतिक कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जैसी हमने पहले की है। हमारा उदाहरण है, ये एक में उदाहरण, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में किस अपराधी के खिलाफ, किस भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री के खिलाफ इन्होंने? अरे महोदय, आपके पदाधिकारी जमीनें कब्जा करके बैठे हैं दूसरों की, करेंगे कार्रवाई? मैं भेजूं विवरण, करेंगे कार्रवाई? बताइए, इच्छा शक्ति है आपकी? जेल में कई बार इस विषय को उठा चुका हूँ मैं, आपके पदाधिकारी कब्जा करके बैठे हैं दूसरों की संपत्तियों पे। ठीक है विवेक जी, उन्होंने कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरोप लग रहे हैं सतीश द्विवेदी पर, उस पर जांच टीम बैठाई जाएगी और इन तमाम जो आरोप आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उस पर जांच होगी। पार्टी के, सुनिए सुनिए, हमारी पार्टी के द्वारा लगाने वाले आरोपों की बात नहीं है, तथ्य अगर प्रामाणिकता के साथ सामने आता है तो उसमें किसी के आरोप की बात तो रही। ठीक है, उस प्रामाणिक तथ्यों पर ही जांच की जाएगी ना, तो जांच का तो आप इंतजार करेंगे ना कि जांच कमेटी जो जांच करेगी उसके आधार पर जो भी आएगा फैसला उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आजम खान पे आरोप लगे थे तो आप लोग ने भी यही कहा था कि जांच होने दीजिए, आरोप सिद्ध होंगे उसके बाद ही आरोपित घोषित होता है, तो थोड़ा इंतजार। मैं तो कह रहा हूँ कि सतीश द्विवेदी लेकिन थोड़ा काम भी तो कर लेते। 12,460 चयनित बच्चों के अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए,
वो कब देंगे ये बताइए ना, काम भी करेंगे कि केवल जांच और संदेह के घेरे में राजनीति करते रहेंगे ये लोग? इन्होंने काम क्या किया? इनका विभाग था शिक्षा विभाग में 12,460 चयनित बच्चों का अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, विवेक जी एक सेकंड। जी नरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया गया वो नहीं किया गया, तो ठीक है, हमने कहा कि जब जांच होगी तो जांच में वो सारी चीजें भी सामने रखी जाएंगी, उनको बुलाया जाएगा। और अरे तो महोदय, मैं तो कह रहा हूँ उनसे कहिए जब तक बने तब तक काम भी कर ले कुछ, इन बच्चों का तो भला कर दीजिए कम से कम। अपराध पर राजनीति में खत्म करने आए, हम नहीं कर सकते ऐसी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को शौक नहीं है सरकारें बना देगा। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति षड्यंत्रों की तो बहुत बखूबी जानते हैं। विवेक जी, जांच सतीश जी निकालने के लिए राजनीति। नरेंद्र जी, हम ये आशा करेंगे कि आप जल्द से जल्द जांच कमेटी गठित करते हुए इन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर, उस पर जांच कमेटी बैठाई जाए और इन आरोपों के विपरीत जो भी परिस्थितियां आती है। जी अति शीघ्र, लेकिन बार बार ये झूठे आरोप लगाकर कुछ जमीन पर काम करें। इस कोरोना महामारी में लोगों को बहुत सारी दिक्कत है, ये तो हम जांच करेंगे, हमने करनी है जांच। लेकिन आप तो झूठे आरोप बोल दे रहे हैं, आप तो झूठे आरोप बोल दे रहे हैं। कौन खड़ा? मैंने कहा इन्होंने जो आरोप लगाए, हमने तो कोई आरोप ही नहीं लगाए अभी तक। अरे हमने तो कोई आरोप लगाए नहीं है, ये रजिस्ट्री क्या हम करते हैं क्या? कृति, हम रजिस्ट्री क्या समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं क्या बैठ करके? ये रजिस्ट्री कहाँ से वायरल हुई ये बताओ, इनके विषय के अंतर्गत की बात है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। जांच का विषय है और जांच अपने बेटे या भाई को मुख्यमंत्री बना देना अपने बात। हमारा राजनीति आने का मकसद समाज का उत्थान है, था और रहेगा। देखिए लेकिन बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र जी कहीं ना कहीं एक गरीब की जो जगह है जहां पर वो मेहनत से पहुंचता है, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के आधार पर वो जमीन जब एक मंत्री के भाई को दे दी जाती है तो ये भी जांच का विषय बनता है। इस्तीफा देना ही सिर्फ अपने आप में ये चीजें नहीं साबित हो जाती कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक गरीब का हक मारा गया है। जो जो बनता है उस सब की जांच होगी, जरूरत से ज्यादा जांच होगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द सतीश द्विवेदी पर ये जांच बैठाई जाए और आप दिखाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका और विवेक जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार सतीश द्विवेदी पर आरोप लगते रहे हैं, पहले उनकी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के आधार पर उनके भाई को, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनको नियुक्ति देना हो या फिर अब महंगी जमीनों को सस्ते दामों पर किस तरह से खरीदा जा रहा है उसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें साफ तौर पर जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे नरेंद्र सिंह राणा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जांच कमेटी बैठाई जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पर हम लगातार अपनी नजरें बनाए रहेंगे कि सतीश द्विवेदी पर किस तरह से बीजेपी अब कार्रवाई करती है और जो ये रायता फैलाया गया है सतीश द्विवेदी द्वारा उसको कैसे समेटती है। बढ़ते हैं आगे, वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव बच्चों पर ज्यादा असर करेगी, वहीं इस बीच सबसे बड़ा सवाल आता है वैक्सीन का, क्योंकि भारत में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, तो आखिर कैसे इस कोरोना की तीसरी लहर से हम बच्चों को बचा सकेंगे, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन आपका ही मजा आएगा। वैक्सीन नहीं, दवाई नहीं, फिर भी बच्चों में कोरोना का असर कायम, उसे लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। की तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आएंगे जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक मॉडर्ना अपने सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में लॉन्च कर देगा। इसके लिए सिप्ला व अन्य भारतीय कंपनियों के साथ वार्ता जारी, साथ ही एक अन्य अमेरिकी दिग्गज फाइजर इसी साल भारत को 5 करोड़ वैक्सीन देने को तैयार है। मॉडर्ना ने भारतीय अधिकारियों से कहा है कि इसके पास वैक्सीन की इतनी खुराकें नहीं है कि अभी वो शेयर कर पाए। पिछले सप्ताह कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में दो बार उच्च स्तरीय बैठक हुई,
इस बैठक में वैश्विक स्तर पर कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आए देशों के लिए वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। वर्तमान समय में भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ और जिसके जरिए अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों को खुराक दी जा चुकी है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल छोटे पैमाने पर इसकी खुराकें भी लोगों को दी जा रही है। विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें यह चर्चा की गई कि 2021 में वैक्सीन देने के लिए मॉडर्ना के पास स्टॉक नहीं है, इसलिए 2022 तक यह भारतीय बाजारों में आ सकेगी। इसके लिए सिप्ला समेत अन्य भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। यह बताया गया है कि सिप्ला ने पहले ही 2022 के लिए मॉडर्ना से 5 करोड़ वैक्सीन के लिए डील कर ली है और केंद्र सरकार से इस पर स्वीकृति का आग्रह भी किया है। उल्लेखनीय है कि मॉडर्ना ने हाल में बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे स्टेज के ट्रायल्स के सकारात्मक नतीजे जारी किए। इसमें पता चला कि मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित है। मॉडर्ना वैक्सीन का ट्रायल 12 से 17 साल के 3,732 बच्चों पर किया गया। कंपनी के अनुसार जिन बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन बच्चों में कोरोना के लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही जिन बच्चों को अभी तक एक डोज लगा है, उन पर ये वैक्सीन 93% असरदार साबित हुई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।